चुकेगा नहीं साला पुष्पा, फीमेल पुष्पा। ये देखिए रात के 2, क्योंकि ये बच्ची भी पूरा ऑलरेडी देख रही है कैसे इसको बिगाड़ दूं फिर से। वेलकम बैक टू आवर चैनल गुलरू मेरी जान। गाइस देखिए अभी टाइम कितना हो रहा है, देखिए अभी कितना टाइम हो रहा है, 12:15। देखिए हमारे घर में आज क्या हो रहा है, मतलब कि अभी क्या हो रहा है। चलिए ये देखिए, ये इधर एक बेटी है, मतलब कि मेरी जो बच्ची है उसके आंख में जरा सा, मतलब कि एक पैसे भर का भी नींद नहीं है। इधर बाप और बेटी खेल रहे हैं, पता नहीं है गुलू गुला सोना है नहीं सोना है, नहीं सोना है इसको काम पे सोना है, इसको साथ सोना है। ये देखो ये अभी इतना लेट तक अगर खेलेगी तो हाँ सोएगी कब, हम लोग उठेंगे कब, बाई को बाई का खोलेंगे दरवाजा नहीं खोलेंगे, या फिर कल मैं सब काम करूंगी। गुलू क्या ख्याल है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बोलो सो गया आज? हाँ झूल रही है गुलड़ी। ये पीएल देख रहा था एक सीरीज, हाँ ये हाथ जोड़ के, मतलब कि हे भगवान मुझे इतनी शक्ति दो जैसे मैं आज पूरा एनर्जी इकट्ठे करके माँ बाप मम्मी पापा को सोने नहीं दूँ, है ना गुलू? है ना गुलू? हंसी देखो कितनी हंसी है, आपके घर में बच्चे ऐसे करते हैं? तो गाइज हमारा आज का जो ब्लॉग है मैंने अभी रात से ही शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है अब सोचो ये रात के 1 बजे तक खेल रही है, ये देखिए इसका हाय, ये रात 1 बजे बोल रही है हाय, तो सोचो ये कब सुबह उठेगी, मैं कब उठूंगी, भाई जब आएगी तो मेरा क्या हाल, मतलब इतना नींद रहता है तो आँख में, फिर अभी पता नहीं ये कब सोएगी यार। गाइस अभी बज रहा है रात का 2:30, मतलब 2:30, और देखिए क्या चल रहा है बाहर। ये देखिए रात के 2:30, मतलब कि पूरा 2:30 है, और एक बच्ची के आंख में जरा सा 5 पैसे का भी नींद है, आंख पूरा चमक रहा है, और ये पीएल अभी खाना खा रहा है, मतलब कि ये एक सीरीज देख रहा था नेटफ्लिक्स में, इतना पागल हो गया इस सीरीज के पीछे ये अभी खा रहा है, सामने इसको लेके बैठा है। गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों ने देखा कल देर रात तक गुली क्या कर रही थी, फिर और मैंने इसको जबरदस्ती सुलाया उस, तभी जाके रात 3 बजे मैडम फाइनली सोए, और पीएल और मेरा सुध हो गया 3:30, अभी 3:30 सोएंगे, फिर हमारी आंटी अभी बजा है 8 आ गई, बेल मारा मेरा नींद टूटा, मेरा तो मतलब मैं नहीं चाहूँ मुझे उठना ही है, पीएल और बच्ची दोनों अच्छे से आराम से मज़े से एसी में सो रहे हैं, अभी थोड़ा गर्मी है ना एसी लगाते हैं, एसी में मज़े से बाप बेटी सो रहे हैं, मेरी आंटी आ गई बेल मारा इसलिए मेरा नींद टूट गया, और अगर मैं नहीं उठूँगी फिर अगर आंटी गुस्सा होगी चली गई तो बस हो गया भैया, आज के लिए मेरा घर का पूरा काम मुझे ही करना पड़ेगा, तो इसी वजह से मैं चाहूँ या नहीं चाहूँ मुझे उठना ही पड़ता है। गाइस आंटी क्या कर रही है, अच्छा आंटी काट रही है प्याज, आज बनेगा आलू ड्रमस्टिक करी और बादाम चटनी, आंटी कर रही है अपना काम, चावल बना दिया आंटी। सो कैमरा देख के गाइस आंटी को बहुत ही हंसी आ रही है, मतलब उसको बहुत शर्म आ रही है कैमरा कॉन्शियस। ओ गाइस अभी आंटी काट रही है एक्चुअली आलू और ड्रमस्टिक, मैं एक्चुअली बनाऊंगी आज मस्टर्ड पेस्ट, देखे मेरा जो लास्ट वीडियो था मछली का उसमें जो पेस्ट दिया था मस्टर्ड पेस्ट, उसको डाल के बनाऊंगी मैं आज मछली का करी, और वो कैसे बनाऊंगी डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आंटी ने कर दिया सारा अपना काम, और देखिए हमारे किचन को पूरा चमका दिया है, चिंग 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 चिंग। चलो
आंटी ने कर दिया है अपना काम, अब मैं जा रही हूँ बनाने मेरा खाना। पर उससे पहले एक्चुअली दोस्तों मुझे बहुत भूख लगी है और मैं अभी जाऊँगी थोड़ा बनाने डोसा और बादाम की चटनी। बादाम की चटनी एक्चुअली दोस्तों मैं चावल के साथ खाऊंगी, पर थोड़ा डोसा ऐसा खाली खाली अच्छा नहीं लगेगा, तो इसी वजह से उसके साथ ही खाऊंगी। तो मैं देख आप लोग थोड़ा देखिए मैंने बना मतलब कि जो बादाम का चटनी था बादाम का चटनी है मैंने कैसे बनाया है। ये सबसे पहले मैंने फ्राई किया था तेल में, ये रहा लहसुन, बादाम, कड़ी पत्ता, जीरा, एक हरी मिर्ची और ये दाल, अब इस दाल को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ये सबको मैंने फ्राई करके अच्छे से ऑयल थोड़ा नमक डाल के सबको फ्राई करके रखा था, अभी इसका मिक्स करके इसका पेस्ट बनाएंगे। और ये रहा डोसा, डोसा का बैटर एक्चुअली दोस्तों इसको मैंने रात से रेडी कर दिया था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है डोसा और ये बहुत जल्दी भी बन जाता है। या ये मेरा डोसा रेडी और ये देखिए मेरी चटनी बादाम की चटनी वो भी रेडी और ये बहुत ही टेस्टी दिख रहा है, ये बहुत अच्छा ही लगेगा, चलो खाते हैं इसको। सो गाइज डोसा और बादाम की चटनी खाइए, मज़ा आ गया। अब बनाएंगे हमारा ड्रमस्टिक का करी, तो देखिए हमारी आंटी ने तो ये काट के रख दिया है ड्रमस्टिक और आलू और प्याज टमाटर उसके ये, और एक्चुअली ये जो पेस्ट है ये था जस्ट लास्ट टाइम में भी मैं बोली थी, ये सरसों जीरा मिर्ची और लहसुन इसका पेस्ट से हम बनाएंगे हमारा ड्रमस्टिक करी। तो चलो इसको पहले मिक्सी में मिक्स करते हैं पेस्ट को, इसको पहले मिक्स तो इसको चलो ग्राइंडिंग करते हैं, पर सबसे पहले इसको अभी तेल है तो पहले प्याज फ्राई कर देंगे। यार ये कढ़ाई गर्म हो गया ना, ज़्यादा गर्म हो जाए, चलो इसमें अभी डालेंगे सरसों का तेल। तेल को गर्म होने दो, फिर इसमें डालेंगे हम कड़ी पत्ता, सूखी मिर्ची और पंचफूरन। तेल इसको थोड़ा गर्म होने दो, तब तक इसको चलो हम मिक्सी में कर दें इसका पेस्ट बनाता है मस्टर्ड पेस्ट। तो गाइस ये तो तेल गर्म हो गया है, अभी इसमें डालेंगे थोड़ा पंचफूरन और अभी कड़ी पत्ता और एक सूखा मिर्ची, सूखा मिर्ची को तोड़ के डालेंगे, हो गया। और इसके साथ प्याज, प्याज को फ्राई करेंगे। तो गाइस मैंने अभी डाल दिया है हल्दी, मिर्ची और नमक। एक्चुअली मिर्ची मैंने थोड़ा कम डाला है क्योंकि तो हमने ही सूखे मिर्ची को यहाँ इसमें फ्राई किया है, और जो पेस्ट था लहसुन अदरक का पेस्ट उसमें मैंने एक हरी मिर्ची को ग्राइंडिंग किया था, तो अभी ज़्यादा मिर्ची होगा तो फिर खाने पाएंगे, तो इसलिए वो मिर्ची का पाउडर कश्मीरी लाल डाला क्योंकि वो थोड़ा लाल दिखता ना अच्छा दिखता है खाने का कलर। एनीवेज दोस्तों ये तो फ्राई हो गया है, अभी इसमें डालेंगे हम हमारा जो आलू है, ये आलू और ड्रमस्टिक इसको उसमें कभी फ्राई करेंगे। मैंने इसमें डाल दिया है आलू और ड्रमस्टिक, अभी अच्छे से इसको प्याज के साथ मिक्स कर देंगे और थोड़ा और तेल में जैसे अच्छे से फ्राई हो जाए थोड़ा ढक्कन लगा के छोड़ देंगे, उसके बाद ही डालेंगे वो जो मस्टर्ड पेस्ट है उसको लगा देंगे ढक्कन। ये दो मिनट दोस्तों फ्राई करेंगे फिर डालेंगे हमारा मस्टर्ड पेस्ट। यू ड्रमस्टिक आलू अच्छे से फ्राई हो गया है, अभी इसमें डालेंगे ये पेस्ट, एक्चुअली इसका आधा डालूंगी क्योंकि मैंने बहुत पेस्ट कर दिया इसके आलू और ड्रमस्टिक के क्वांटिटी से ज़्यादा पेस्ट कर दिया था, इसका आधा डालेंगे और अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ये आगे पीछे पीछे से था। सोना है ड्रमस्टिक के साथ, तो ये तो बैठ गया पेस्ट के साथ हमारा ड्रमस्टिक का करी। अब बनाएंगे ये मैंगो का पेस्ट मतलब कि आम की चटनी, और इसलिए देखिए मैंने आम उसके ऊपर थोड़ा प्याज थोड़ा धनिया पत्ता एक मिर्ची और ये दो पीस लहसुन इसको लिया है। अभी इसको हम पेस्ट करेंगे और उसमें डाल देंगे थोड़ा नमक और चीनी। रेडी करी तो रेडी हो गया, बट लास्ट एटलीस्ट ये देखिए ये कैरी मैंगो को सुखाते हैं धूप में, ये कच्चा आम रहता है इसको धूप में सुखाते ऐसा रहता है, और ये उसमें डालेंगे तो खट्टा खट्टा लगेगा और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये तो हो गया, ये अपने आप ही नहीं थोड़ा मिक्स कर देंगे यार अच्छे से, अगर मिक्स नहीं हुआ तो एक साइड पता लगा पूरा करी अच्छा नहीं लगेगा। चलो इसको तो मैंने मिक्स कर दिया, हमारी सब्जी भी रेडी हो गई है, तो मेरा खाना तो रेडी हो गया। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखिए गाइस देखिए गुलू
देख रहे हो टीवी और उसका जो पोजीशन है मतलब पीएल के ऊपर कैसा बैठा है, पुष्पा, फीमेल पुष्पा, जो कह गया नहीं साला पीएल तुम्हारे ऊपर पर चढ़ गुल्लो, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। हेलो 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 भाई, शांत शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भाई। अरे बाप बेटी का प्यार देखो। गुल्लू मामा को भी प्यार चाहिए, पापा से कितना प्यार है ना। कैसे आप देख रहे हो, हमने ये हमारा जो सोफा है उस पर डाला है बेडशीट, मतलब कि ये देखिए ये गुल्लू ने किया गया है, इसको मैंने दिया था ये भेलपूरी खाने के लिए, ये सब वो नीचे डाल के, मतलब कि हमेशा ये लड़की जो रहती है मुझे काम में लगाती है। कल भी रात को ऐसा ही ड्रेस ख़राब कर दिया कुछ डाल के, इसलिए फिर से इसको ड्रेस चेंज करके इसको सुलाई थी। तो हमारा आपको बोल रही थी ना दोस्तों, सॉरी बैक टू ट्रैक, ये देखिए ये जो हमारा सोफ़ा है इसको इतना गंदा किया है इस लड़की ने, इतना गंदा किया है मतलब कि मैं आपको दिखा नहीं सकती। उस पर सेरलैक दाल चावल, मतलब इसको जो जो खिलाती हूँ इस लड़की को, हमेशा उसका मतलब कि 20% खाती है, 80% इसमें लिपती है। ये इतना गंदा हो गया, अभी हम पीएल और मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, मतलब कोई भी गेस्ट आते हैं हमारे घर से तो इसके ऊपर ही बैठते हैं। तो गाइस कोई भी गेस्ट आता है ना घर से, इसके ऊपर ही हम इसको बिठाते हैं, मतलब कि ये सोफ़ा इतना गंदा है, गंदा हो गया है। एक्चुअली इसका कलर भी डार्क है, तो वो जो कलर रहता है गंदा होने का, मतलब जो भी सेरलैक है दाल चावल वो पूरा ऐसे निखर के आता है, तो इतना गंदा किया है सोफ़ा को। तो इसलिए पीएल ने आज बुलाया है अर्बन क्लब, अर्बन क्लब से इसको साफ़ करने के लिए, क्योंकि वैसे तो हम लोग अभी जाएंगे उड़ीसा में, बार बार बोल रहे हैं ना हम लोग जा रहे हैं उड़ीसा शादी में, वो तो किसकी शादी है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन हम लोग अभी जो उड़ीसा जा रहे हैं, हम लोग अभी रुकेंगे दो तीन महीने ऐसा रुकेंगे, तो सोफ़ा उस टाइम बहुत ख़राब हो, मतलब ये दाग रहता है ना, तो ये दाग मतलब कि अगर हम ये दरवाज़ा मतलब घर तो पूरा बंद रहेगा, तो इसलिए अगर ये दाग ऐसा रह गया तो फिर उसमें मतलब कि जो स्टेन रह जाएगा वो निकलेगा नहीं। अभी वो स्टेन लगा, इसलिए पीएल ने बुलाया है अर्बन क्लब कंपनी को, तो वो लोग आएंगे आज साफ करेंगे। मगर मैं जानती हूँ एक लड़की उससे बहुत नाखुश होगी, क्योंकि गुल्लू जो रहती है ना दोस्तों, उसको हर हमेशा गंदा चाहिए, मतलब कि पता नहीं, मुझे पता नहीं चलता उसको घर साफ करने से, घर अगर साफ रहे ना उसको अच्छा नहीं लगता। मैं सब बोलती मम्मी घर क्यों साफ है, इतने शांत बैठी है यार दोस्तों, ये इतने शांत नहीं है, कभी इसका विश्वास मत करना, ये सब बोलती है हाय, इतनी अच्छी नहीं है ये। हमारा अभी सोफा क्लीन हो रहा है, और पता नहीं ये कितना दिन तक रह पाएगा, क्योंकि ये बच्ची भी पूरा ऑलरेडी देख रही है कैसे इसको बिगाड़ दूँ फिर से। सो गाइस एक घंटे के बाद ये देखिए भैया ने क्या क्या है, हमारे जो अर्बन क्लब से हमने मंगाया था, चकाचक कर दिया सोफे को एकदम। गुल्लू गुल्लू डिसअपॉइंटेड, ये इतना अच्छा क्यों है, इसको फिर से गंदा करना है मुझे। गाइज ये जो कार्बनी कंपनी का सर्विस रहता है गाइज, ये बहुत ही अच्छा रहता है गाइज, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करो अपने घर में, मतलब आपका सोफ़ा है, किचन है, ऐसी है, कुछ भी है, एक बार ज़रूर ट्राई करो, इनका सर्विस बहुत ही अच्छा रहता है। मतलब कि मैंने आज किया है अपना सोफ़ा, और एक्चुअली हम लोग पहले भी दो बार कर चुके हैं यार, बहुत बहुत ही अच्छा करते हैं, पूरा नीट एंड क्लीन करते हैं। सो गाइज पीएल ने तो पैसा खर्च करा के अपना सोफ़ा, हमारा सोफ़ा साफ किया है, अभी देखना है कि ये जो सोफ़ा का क्लीननेस है, मतलब कि इसका जो क्लीनिंग ड्यूरेशन है कब तक ये क्लीन रहता है, क्योंकि आज मतलब मुझे जितना पता है गुल्लू का जो खुरापाती दिमाग रहता है उसमें ज़रूर आ रहा होगा कि कैसे इसको फिर से गंदा कर दूँ, क्योंकि हमारा जो भी घर है ना, मतलब हमारा जो घर है अगर ये साफ़ है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, और ये एरिया जो है सोफ़ा एरिया ये गुल्लू का मेन एरिया है, इसको अगर साफ़ नहीं, मतलब ये अगर गंदा है तो गुल्लू सेटिस्फाइड, हाँ यार ये तो गंदा है,
तो बस दोस्तों, हम लोग अभी देखेंगे कितना दिन ये रहता है साहब, क्योंकि अभी घर जाएंगे, उसके बाद ही आके फिर इसको क्लीन करेंगे, क्योंकि अभी बहुत दिन के लिए घर जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला था। तो दोस्तों, मैंने तो जो आज ड्रमस्टिक का करी बनाया, आलू ड्रमस्टिक का, वो लोग आप ज़रूर एक बार ट्राई करो, और आम का चटनी है उसको भी ट्राई करो। तो बस दोस्तों, हमारा आज का वीडियो तो इतना ही है, बाकी थैंक यू सो मच मेरा आज का पूरा वीडियो देखने के लिए। और कैसा लगा वीडियो थोड़ा कमेंट में बोलो, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हाँ ज़रूर। और एक बात, अगर आप लोगों ने प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल पे, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो। तो चलो, हमारा वीडियो अभी देखो, आप एंजॉय करो, रिलैक्स करो, और गुल तो बस मुझे हमेशा ऐसा ही प्यार करती है, जैसे अपना ध्यान रखो। चलो दोस्तों, मिलते हैं हमारा और एक अच्छा एक्साइटिंग वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय बाय।